एवरीवन, माय नेम इज पुनित एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय अनूप सर। ओके, तो आज हम करते हैं आईएमएफ। एक बहुत ही शॉर्ट कंसेप्ट है एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है आपके लिए, एंड शॉर्ट में ही रहता है। आपको अभी मैं करवाऊंगी समरी टाइप, आपको करवाऊंगी आईएमएफ क्या होता है, कब एस्टेब्लिशमेंट में आया, कैसे आया, क्या ऑब्जेक्टिव रहता है। ओके, तो बिना देरी किए हम करते हैं आईएमएफ। आईएमएफ की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। अब बात करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट में कैसे आया आईएमएफ। ओके, एज यू नो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया वर्ल्ड बैंक किया। वर्ल्ड बैंक कैसे एस्टेब्लिश में आया, जब ब्रिटन वुड में मीटिंग हुई तब दो ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। फर्स्ट वन इज आईबीआरडी। अगर कोई हमारे चैनल पे नया है और उसने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज आप प्रीवियस लेक्चर वर्ल्ड बैंक का देख के आइए, देन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा आईएमएफ। अभी हम बात करते हैं, ब्रिटन वुड में मीटिंग हुई थी जहां पर दो ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया गया। फर्स्ट इज आईबीआरडी, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किया, एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ओके, अब एस्टैब्लिशमेंट क्यों किया गया, आईबीआरडी का किया गया रिकंस्ट्रक्शन के लिए। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जो सारी इकोनॉमी है या फिर जो भी सारी इंडस्ट्रीज सेटअप की गई थी वो सारी तहस नहस हो गई थी, सभी को रिकंस्ट्रक्ट करना था। अगर हमें रिकंस्ट्रक्ट करना पड़े तो हमें फाइनेंस की जरूरत होगी, ऑब्वियसली फाइनेंस की जरूरत होगी क्योंकि बिना फाइनेंस तो होता ही नहीं है। अगर हम इंडस्ट्री को सेटअप करना चाहते हैं, रिकंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो बिना फाइनेंस तो नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे एस्टैब्लिश किया आईबीआरडी को, या फिर वर्ल्ड बैंक बोल सकते हैं हम। एंड एक यूनिट एस्टैब्लिश किया, एक ऑर्गेनाइजेशन हमने आईएमएफ, जो क्या देखती थी। आईएमएफ का काम क्या था कि आईएमएफ थी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जो कि मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को या फिर फॉरेन से जो हमारी डीलिंग हो रही है, हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, उससे रिलेटेड जो भी वर्क होता है वो देखता था आईएमएफ। अब बात करते हैं आईएमएफ, अगर मैं बात करूं कि आईएमएफ में और वर्ल्ड बैंक में, इसको हम आईबीआरडी एंड आईडी, इन दोनों को मिला के बनता है हमारा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक बोल सकते हैं हम। अब जो वर्ल्ड बैंक है और आईएमएफ है, अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछे कि क्या डिफरेंस होता है वर्ल्ड बैंक में और आईएमएफ में, तो जो वर्ल्ड बैंक है वो हमें लोन देता है लॉन्ग टर्म के लिए, एंड आईएमएफ हमें लोन देता है फॉर शॉर्ट टर्म के लिए। आइए आपको बात समझ में, ये छोटा सा डिफरेंस रहता है हमारा। जो वर्ल्ड बैंक आपको लोन प्रोवाइड करता है वो लॉन्ग टर्म के लिए प्रोवाइड करता है, एंड जो आईएमएफ आपको लोन प्रोवाइड करता है वो शॉर्ट टर्म के लिए प्रोवाइड करता है। एंड अभी हम बात करते हैं कि कब फॉर्मेशन हुआ आईएमएफ का। 27 दिसंबर 1945 में एस्टैब्लिशमेंट में आया आईएमएफ। एंड किस टाइप का है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है हमारी। ये कुछ मैं आपको की पॉइंट बता रही हूँ जो कि आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एंड आप जब भी क्वेश्चन लिखते हो तो आप प्लीज ये पॉइंट्स को जरूर मेंशन कीजिए, क्योंकि अगर आप इन पॉइंट्स को मेंशन करोगे तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल पॉइंट है आपकी। नेक्स्ट है आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वॉशिंगटन डीसी, एंड मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीना जॉर्जिवा। नेक्स्ट चीफ इकोनॉमिक्स की बात करें तो गीता गोपीनाथ। अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं आईएमएफ के। ओके, हमने पढ़ लिया कि आईएमएफ का एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ, एंड जो फॉर्मेशन में है वो डेट कब हुआ, और किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, एंड हमने ये काफी सारी चीजें कर ली। अब हम करते हैं यहाँ पे कि ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं आईएमएफ की। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव की, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा रहता है टू प्रमोट द इंटरनेशनल मॉनिटरी कोऑपरेशन।
सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि इंटरनेशनल की जो भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, कहां से पैसा ले रही है, कहां पैसा दे रही है, उन सबको स्टेबलाइज करने के लिए हमने किसका इंट्रोड्यूस किया, IMF का। तो मॉनिटरी कोऑपरेशन बनाए रखने के लिए कौन से ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया गया, IMF को एस्टेब्लिश किया गया। IMF का एक मेन ऑब्जेक्टिव ये भी रहता है कि स्टेबलाइज द एक्सचेंज रेट, कि जो एक्सचेंज रेट है जो फॉरेन के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं, तो एक्सचेंज रेट हमारी फ्लक्चुएशन होती रहती है। ओके, अब दो कंट्रीज अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है तो उनकी जो करेंसी है, ओके, तो किसी की करेंसी की वैल्यू ज्यादा होती है, किसी की करेंसी की वैल्यू कम होती है, तो उन करेंसी की वैल्यू को स्टेबलाइज रखने के लिए कौन हेल्प करता है, IMF आपकी हेल्प करता है। और अगर मैं बात करूं करेंसी की, तो IMF की जो करेंसी है, यहां पे लिख देती हूं मैं, IMF की करेंसी है SDR, यानी कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट, IMF की करेंसी का नाम है। अब बात करते हैं सेकेंड ऑब्जेक्टिव का, टू फैसिलिटेट एक्सपेंशन ऑफ बैलेंस ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब जो IMF है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एक्सपेंड करने का, जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं उसको एक्सपेंड करने के लिए हमें हेल्प करता है IMF, क्योंकि IMF क्या करता है, हमें लोन प्रोवाइड करता है एक्सपेंशन करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज टू प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट एंड रिड्यूस पॉवर्टी। अगर IMF हमें कोई भी यूनिट सेटअप करने के लिए लोन देते हैं, या फिर अगर हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं गुड्स को, क्योंकि हम एक्सपोर्ट तभी कर पाएंगे जब हमारे पास फाइनेंस होगा, एंड फाइनेंस होगा तो हम रॉ मटेरियल लेके आएंगे, रॉ मटेरियल से हम कोई भी प्रोडक्ट को बनाएंगे, एंड प्रोडक्ट को बना के क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। ओके, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगी, हमारे पास अर्निंग होगी, जिससे हमारी क्या होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, एंड अनएम्प्लॉयमेंट भी दूर होगा, क्योंकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और जिसके कारण क्या होगी, रिड्यूस पॉवर्टी रिड्यूस होगी। तो ये डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्टिव रहते हैं हमारे IMF के। फर्स्ट पॉइंट कर लिया हमने, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, टू स्टेबलाइज एक्सचेंज रेट। ये पॉइंट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करना क्या होता है, कि जो भी फ्लक्चुएशन आ रही है एक्सचेंज रेट में, या फिर एक्सचेंज करेंसी, जो करेंसी होती है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की, उनमें जो फ्लक्चुएशन आ रही है उनको रिड्यूस करना भी ऑब्जेक्टिव रहता है IMF का। एंड फिफ्थ इज टू एस्टेब्लिश मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट। मल्टीलेटरल, इसका मतलब ये हुआ कि IMF आपको प्रोवाइड करवा रहा है मल्टीलेटरल सिस्टम, कि आप किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हो फॉरेन में, या फिर जो मेंबर कंट्रीज है उनको आप किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हो करंट ट्रांजेक्शन्स की। सो इट इज ऑल अबाउट द IMF एंड IMF ऑब्जेक्टिव एंड फॉर्मेशन कब हुआ। सो हमने समराइज फॉर्म में या शॉर्ट फॉर्म में हमने IMF को किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से किया है, होप सो आप सभी को समझ आया होगा। प्रॉब्लम है IMF से रिलेटेड या फर्दर एनी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, एंड आप सजेशन भी दे सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।